So let's move on to guys our last question of the chapter, question number 7. Market wide circuit breakers. गाइज अभी जो हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट करा है क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाता हूँ. गाइज ये हमने यहाँ पे सर्किट फिल्टर, इसको भी हम सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं, ये हमने कवर करा है और अभी हम करने जा रहे हैं मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर. गाइज अगर आप देखें इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क, अगर हम मार्केट वाइड को यहाँ पर हटा दें तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है. तो गाइस मार्केट वाइड ये जो सर्किट ब्रेकर है ये पूरी मार्केट के लिए है और ये वाला पर्टिकुलर जो ब्रेकर है ये सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए है. जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस करा था दिस इज़ ओनली फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनी अदर सिक्योरिटी एंड दिस इज़ फॉर मार्केट. सो गाइस कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज़, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? गाइस जैसा कि हमने SFM में पढ़ा भी है जो मार्केट होती है वो उसको हम सेंसेक्स और निफ्टी उसको मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं. गाइस मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में. इनमें गाइस क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के हम स्टॉक इंक्लूड करते हैं. स्टॉक एक्सचेंज जो क्या होता है किसी जो मेजर कंपनीज होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर कंपनीज हैं उनके उनको हम इंक्लूड करते हैं और एक ये जस्ट लाइक एक इंडेक्स बनाते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है पूरी इकोनॉमी को. सपोज अगर हमने जो है सपोज टायर मैन्युफैक्चर में हमने अपोलो टायर्स को इंडेक्स में ऐड करा, तो सपोज़ इफ अगर अपोलो टायर्स का शेयर प्राइस का उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मींस जितनी भी टायर्स कंपनी है इंडिया में उन सबका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है. तो गाइस इस टाइप से कुछ ये जो मार्केट सर्किट मार्केट है जो हमारी जो इंडेक्स है इस हिसाब से कुछ इस आइडिया से कुछ बनाया जाता है. तो गाइस देखते हैं मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर क्या होता है. This circuit breaker is used to control excessive price movement in market, in whole market such as सेंसेक्स और निफ्टी. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बोथ द सर्किट ब्रेकर एंड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर आर सेम एक्सेप्ट दैट is for whole market and circuit breaker is for individual stock. ठीक है guys, third point में it gets triggered at 3 stages when price moves in any direction above ₹10, ₹15 and ₹20. गाइज जब शेयर्स का प्राइस जो है 10% या 10% से ज़्यादा 10% से ऊपर या 10% से कम हो जाता है तब ये एक फर्स्ट स्टेज पे ट्रिगर होता है, फिर सेकंड स्टेज या 15% से ऊपर या नीचे होता है तब, या थर्ड स्टेज 20%. सो फोर्थ पॉइंट, व्हेन MCWB ट्रिगर्ड the market gets halt. Halt means
बंद, मार्केट बंद हो जाती है, एंड ऑल द ट्रेडिंग इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी डेरिवेटिव्स इज स्टॉप। ठीक है गाइस, तो एक बार हम देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है गाइस। जो सर्किट ब्रेकर होता है वो जैसे हमने सर्किट मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर जो होता है वो पूरी मार्केट के जो अप एंड डाउन होता है उसको कंट्रोल करता है। फिर सेकंड पॉइंट में बोलता है बोथ सर्किट ब्रेकर एंड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन यही है कि वो पर्टिकुलर मार्केट को कंट्रोल करता है और सर्किट ब्रेकर खाली इंडिविजुअल स्टॉक को कंट्रोल करता है। फिर थर्ड पॉइंट में बताता है कि जो मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर है वो 3 स्टेजेस पे ट्रिगर होता है। या तो शेयर का प्राइस 10% से अप या डाउन हो जाता है, या शेयर का प्राइस 15% अप डाउन हो गया, या शेयर का प्राइस 20% अप डाउन हो गया। तो जब ये ट्रिगर होता है मार्केट जो है कुछ समय टाइम के लिए बंद हो जाती है और उस मार्केट में जो जितनी भी पर्टिकुलर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजेक्शन या इक्विटी डेरीवेटिव की ट्रांजेक्शन है वो बंद हो जाती है। तो अब गाइस इसमें एक और पॉइंट है, वो हम देखते हैं कि जो मार्केट पीरियड जब ये ट्रिगर होता है तो मार्केट कितने टाइम के लिए बंद होती है। तो गाइस इसमें हमारे को तीन चीज़ें एट 10%, एट 15%, एट 20%। तो गाइस जैसा कि हमने देखा था यहाँ जब ये ट्रिगर तब होता है जब मार्केट 10% या 15% या 20%। अब गाइस हम यहाँ पर उन्हीं उसी सब की बात करने जा रहे हैं कि जब 10% पे ट्रिगर होता है तो मार्केट कितने टाइम के लिए बंद होती है। तो देखते हैं गाइस, बिफोर 1 PM, आफ्टर 1 PM, बिफोर 2:30 PM, आफ्टर 2:30 PM। गाइज अगर 1 बजे से दोपहर के 1 बजे से पहले ये यहाँ पर ये ट्रिगर हो जाता है तो मार्केट जो बंद होती है 45 मिनट्स के लिए होती है। यहाँ पर मार्केट बंद होती है 15 मिनट्स के लिए, यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। अब 15% वाले में देखते हैं, बिफोर 1 PM, आफ्टर 1, बिफोर 2:30, आफ्टर 2:30। तो गाइज बिफोर 1 PM यहाँ पर मार्केट जो बंद होती है वो होती है 1 आवर 45 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए यहाँ पर गाइज बंद होती है 45 मिनट्स, और यहाँ पर गाइज बंद होती है फॉर होल पीरियड। 4 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो 2:30 बजे से लेकर जो 4 बजे तक का टाइम होता है पूरा बंद रहता है। गाइस ये जनरल नॉलेज बताया जो मैंने आपको अभी 4 बजे बोला है, 4 बजे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज 4 बजे तक खुला होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ये बोलता है कि 2:30 बजे से जब तक भी मार्केट उस दिन की चलेगी वो पूरा पीरियड जो है बंद रहेगी, यानी कि 2:30 से 4 जो है वो बंद रहेगी। 4 से आपको कोई याद करना नहीं है, सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया। ठीक है गाइस, तो अगर ये 20% ट्रिगर हो जाता है तो होल्ड पीरियड। तो गाइस इसमें एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को आप ध्यान से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मार्केट चलती रहती है और यहाँ पर पूरे टाइम के लिए बंद हो जाती है।
तो गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर ख़त्म होता है। और आपने खुद देखा ही होगा, मैंने मोस्टली जो मेजर पार्ट है चैप्टर का वो कवर करा है, और वो कवर भी प्रैक्टिस मैनुअल और पीएम के क्वेश्चन से करा है, और जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो भी प्रैक्टिस मैनुअल या स्टडी मेट की है गाइस। सो डोंट वरी गाइस, प्लीज़ वॉच दिस वीडियोस इस, जिससे कि आपको पूरा उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ सके, और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।